तो भाई चाय हम पी लेंगे तो भाई जानी तुम हमें 220 है ना, हम चाय पी लेंगे, हम एक साथ ये बराबर भाई भाई मिलके साथ पीएंगे। अरे भाई तुम लोग जाओ, रात का टाइम है, वैसे चोरी डकैतियां चल रही है। करा गुड मॉर्निंग जी, टाइम हो रहा है 1:40 और अभी अभी सुबह हुई है। सुबह तो मतलब हो गई थी 12:30 ही हो गई थी, लेकिन मैं फ्रेश हो रहा था तो उसमें मुझे टाइम लग गया। आपको एक बात और बता दूं, आज मजे की, आज घर में कोई भी नहीं है भाई, यहाँ पर इस कमरे में भी कोई भी नहीं है और इस कमरे में भी कोई भी नहीं है, सब गए हैं। अम्मी गई हुई है मामी के साथ किसी काम से और हिबा गई हुई है नेहा के घर जाना था आज नाश्ता लेके, तो हिबा उसकी बहुत अच्छी दोस्त है तो इसलिए हिबा गई हुई है। हिबा वहाँ से नाश्ता लेके गई होगी सुबह और फिर अभी नानी के घर पे होगी। आज भी मुश्किल है, आज पूरे ब्लॉग में मुश्किल ही है हिबा है। तो अभी फिलहाल सीन कुछ ये है, अभी जो है सो के उठ गया और घर में कोई भी नहीं है, लेकिन भूख लग रही है, नाश्ते का कुछ करना है। अच्छा, नाश्ते में जो है आज मुझे जहाँ तक पता है ना, तो अभी फ्रिज में मैंने देखा तो 2-3 चीजें रखी हुई थी, सेब और वो अमरूद सेब और अमरूद रखे हुए, तो वो काटते हैं, वो काट के खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ बना लेंगे। मैंने उठ के देखा था चिकन रखी हुई थी, तो चिकन मैंने निकाल के बाहर रख दिया, चिकन से देखता हूँ अभी क्या बना सकता हूँ, जो भी बनाऊंगा बना के कुछ खा लूंगा। अच्छा, और है भी आज इतवार का दिन और बाबा घर में होते हैं आज, और बाबा गए हुए हैं साइड पे, बाबा मतलब दूसरी साइड पे काम के लिए गए हुए, तो वहां से वो आएंगे तकरीबन 4 बजे तक, देखते हैं जो भी होता है। अभी चलते हैं, चल के पहले फ्रूट काटते हैं और वो खाते हैं। बाकी तुम सब लोग का हो गया वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग, और यार जल्दी जल्दी 6,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाओ यार, जल्दी जल्दी कर पाओ। ये अमरूद अभी मैंने निकाले हैं फ्रिज में से, तो इसको फटाफट से अभी काट लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये हमारे कट गए, तो अब इसके अंदर यार बहुत सारे लोग नमक डालते हैं, बहुत सारे लोग मसाला डालते हैं, लेकिन आपका भाई इसके अंदर चीनी डाल के खाता है, मतलब अलग से बिल्कुल। तो इसके अंदर अभी चीनी नहीं डाल के इसको मिक्स करते हैं और ये खाते हैं। और ये मैंने यहाँ पे चिकन निकाल के रखी हुई है, तो चिकन मेल्ट हो रही है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन है। अरे अमरूद हो गए हैं भाई टोटली चीनी कोटेड, तो अभी फटाफट से हम अमरूद खाते हैं। और मेरे कमरे की हालत भाई साहब ये हो रही है, क्योंकि मैं अभी जब सो के उठता हूँ ना, तो मेरा कमरे की हालत यही हुई होती है, बहुत बुरी। नाश्ता आज का हमारा नाश्ता है फ्रूट, वाओ मतलब बेहतरीन, फिर उसके बाद कुछ बना भी लेंगे यार, क्योंकि भूख लगेगी, ये इससे कुछ भी नहीं होगा। इतना करके आके बाहर बैठा हुआ, इतनी देर से सोच रहा हूँ कि यार क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा चिकन से, कि चिकन से क्या बनाऊँ, चिकन कढ़ाई बना लूँगा तो रोटी बनाना नहीं आती, कढ़ाई बना लूँगा तो पराठा बनाना नहीं आता, फिर मैं ब्रेड है नहीं, किससे खाऊंगा अगर कढ़ाई बनाए, तो कढ़ाई तो नहीं बन सकती। अच्छा दूसरा हाँ ये है, एक के चिकन मैरिनेट करके अभी रख दूँ और सीधा सीधा सिंपल ऑयल में तल के खा लूँ, एक ये हल है। हल और के चिकन को वापस फ्रिज में रख दूँ और फिश निकाल के फिश तल के खा लूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं घर में अकेला होता हूँ ना, तो ये सब कर रहा होता हूँ, कोने पर एक जगह पर बैठा हुआ, यहाँ भी कोई नहीं है, वहाँ भी कोई नहीं है, वहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, और मैं अकेला बैठा हुआ। सुन आप लोग कमेंट में बताओ यार क्या बनाते हैं चिकन से, क्या क्या चीजें बनती हैं कमेंट में बताओ। 1 hour later सीन ऐसा है कि यार मैं घर में सोच रहा था कि मैं कुछ खाने के लिए बना लूं, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो ये लोग भी आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसका मुंह इसलिए लटका हुआ, इसकी तबीयत खराब है, क्या हुआ भाई? यार मैं मेरे को वायरल हो गया। वायरल हो गए तुम कहाँ पे, टिकटॉक पे यूट्यूब पे? दो कार्ड का मैं, अच्छा तबीयत वाला वायरल हो गया, दो का मैं, दो किस में, पत्ते में, पत्तों में दो कार्ड का मैं, जाओ नए खरीद के लाओ। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? हमने खेलना ही नहीं। ये रहा बाकी क्या वो भाई? ये भी दिखा पब्लिक को भाई। कौन सी वीडियो? अच्छा पासवर्ड भी दिखा रहे हो, गेडली में कुछ है तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम क्यों सुन बैठे हो, तुम्हारा कराची का व्लॉग कब आएगा? तुम्हें शादियों से टाइम मिले तो देखो ना। देख ही नहीं रहे तुम, चैनल बताए पिस्टूस चैनल का नाम है तेरे? हाँ जानी, 12 जो है चैनलों के 31 पैंथर की टोपे है, तो ये 2 रिमेव लेकर तुम जल्दी से पहुंचो। हाँ जानी क्या हो, पंचर बन गया भाई? हाँ मैं तेरी बात समझ गया हूँ, पंचर बना
अरे भाई तुम लोग जाओ, रात का टाइम है, वैसे चोरी रगेटियां चल रही है, कराची के हालात खराब है। बताओ मिस्त्री रख के कौन से पंचर बना मोबाइल तो दिखाओ कौन सा रखा हुआ है। यानी आईफोन नहीं, तुम जैसे भाइयों की वजह से हमने कीलें डाली हुई है रोडों पे। मोबाइल निकाल रोडों पे। मोबाइल निकाल। कीलें तूने डाली हुई है जो पंचर हुआ है। मोबाइल निकाल। यानी ये तुम्हारी माँ की ऐसी की जैसी, तुम देखना तुम्हें किचन में बहुत। इधर आओ भाई, सुनो मेरी, मैं लगाया था फ्री में लगाया था मोबाइल। डाल देंगे फ्री में। अजय जी ने ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं नहरी खाने, नीचे सारे वॉइस करने में, और मेरे घर से निकल गए थे तो चलते हैं हम भी। और नहरी खाने हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके पता चल जाएगा। मैं अभी नीचे है तो बता देंगे। ये आ गया समद, ये आ गया अनस भाई, ये आ गया अनस, और ये आ गया जैन मेरे साथ चल रहा है। चलो 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 चलते हैं, आपसे पहुंच के मिलते हैं डायरेक्ट। कराची के रोड भाई बड़े खराब हुए हैं, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये लोग जा रहे हैं आगे। ये देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये कई गड्ढे हैं भाई, गड्ढे इतने हुए हैं ना कि मतलब गड्ढों की जो बात करो। अभी ये दोबारा आया, ये देखो ये आया गड्ढा, ये आया गड्ढा। जावेद नहरी, और अभी जो है कुछ खा भी लेते हैं, मुंह पे पूरी मिट्टी हो रही है, और रेस्टोरेंट भी पूरा तकरीबन खाली है। दोपहर के टाइम पे रश इतना होता है, जगह नहीं होती, और अभी के टाइम पे तो खाली खाली हो रहा है। खाना शाना खाते हैं और फिर देखते हैं आगे के क्या प्लान है, क्या आगे का क्या सीन है। क्या सीन है भाई? यार वो चाउमीन है, तुम लोग को पता नहीं है गरम गरम रोटी आती है यहाँ पे ना, तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। यार मैं तो कह रहा था कि भाई चिकन लगा, चिकन लगा नहीं
चिकन लगाने मंगा ये मना कर रहे हैं आप बताओ भाई। अबे नहीं भाई चिकन नहीं आ रही क्यों यार। जावेद अबे लज़ानिया नहारी पे तुझे लज़ानिया मिलेगा। ओ ब्रोस्ट है ब्रोस्ट होना चाहिए ना यार। वैसे ये बात है बात तो सही है इतना बड़ा रेस्टोरेंट होना चाहिए। इतना बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे होना चाहिए। मशवरा दो जावेद निहारी लिखा हुआ उसमें साले निहारी लिख के जाते निहारी मिलेगी। हां निहारी जावेद भाई ने पंचर वाले ने भी लिखा हुआ क्या वो भी जावेद निहारी रख बताओ। ये पेंटर की दुकान पे भी परचून का सामान मांग बोल रहा था कल भी दो दूध के पत्ती के साशे दो दिन से कलर पी रहा है क्या भाई हम बताते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं आगे बेइज्जती हो रही। हमारी नारी आ गई है और नारी का मेकअप भी कर दिया इन लोगों ने भाइयों ने और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि बस खाना खाते हैं और ये खाने के बाद आपसे मिलते हैं। 6 hours later अच्छा ये खाना वाना हो गया हमारा तो यार बस अब घर चलते हैं मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट घर से। रात के 4:30 का टाइम हो रहा और मैं घर आते ही सो गया था। मैं लेटे लेटे मैंने यार मैं घर में करता क्या घर में कोई भी नहीं था तो मैंने लेटे लेटे सोचा कि मैं थोड़ी देर ब्लॉग की क्लिप जो है लोडिंग पे लगाता हूँ। मैं लोडिंग पे लगाई क्योंकि एक्सपोर्टिंग होने में टाइम लगता है। लोडिंग पे लगा के मैं लेटा ये सोच के कि थोड़ी देर आँखें बंद करके उठ जाऊँगा और लेटे लेटे सो गया और अभी उठा हूँ उस टाइम पर और उठ के मुझे याद आया कि यार चलो कोई बात नहीं ब्लॉग तो हो गया लेकिन ब्लॉग कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे। तो अम्मी बाहर से मेरे लिए लेके आई थी अंडे वाला बर्गर और वहाँ अंदर बहुत सारी नींबू शिमको रखी हुई है तो वो भी खा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है यार मुझे जो आप लोग से ना एक बात भी करनी थी इस व्लॉग में वो बात ये थी कि पहले मैं खा लूँ तो बताओ यार मुझे तुम लोग से बात जो करनी थी ना मुझे बात तुम लोग से ये करनी थी कि यार देखो सीन ऐसा है कि ना मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है हुनैन प्रेजेंट्स ठीक है तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपना नेम रखना चाहिए या तो हुनैन ब्लॉग्स या तो हुनैन शेख व्लॉग्स या तो सिर्फ हुनैन शेख। तो मुझे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसके अंदर कि क्या नाम रखूँ और कौन सा नाम नहीं रखूँ। तो यार तुम लोग कमेंट में बताओ पहले तो कमेंट में ये बताओ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करूँ या नहीं करूँ सही है और दूसरा कमेंट में ये बताओ अगर चेंज करूँ नेम तो नेम क्या रखूँ। तीन ऑप्शन है आपके पास हुनैन शेख या हुनैन व्लॉग या हुनैन शेख व्लॉग्स तो बताओ क्योंकि इसमें लोगों को आसानी होगी सर्च करने में और देखने में। मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है कि हुनैन प्रेजेंट्स जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी लोगों को देखने में। तकरीबन 2-3-4 महीने बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी और आज तक कर ही रहा हूँ बाकी सपोर्ट करते रहो यार। अच्छा ये बात मुझे आखिरी करनी थी आपसे और मैं दूसरी अब एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट गौर से सुनना गौर से दिमाग लगा के ये व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में जब तक उनका बहुत सारा ख्याल रखे। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके जाना नए नए लोग यार तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं करते अगर सब्सक्राइब कर दो ना तुम लोग तो क्या ही बात हो। मिलते हैं कल नए व्लॉग में जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखे। लाइक जरूर कर दिएगा इस व्लॉग पर टारगेट हम 100 लाइक का रखेंगे। मिलते हैं कल अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय गुड नाइट और सब्सक्राइब करके जाना और 20 कमेंट का भी टारगेट है 100 लाइक 20 कमेंट।